नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः एक बड़े ही ओजपूर्ण निबंध के साथ मैं उपस्थित हूँ और उम्मीद है कि इससे ज़रूर कुछ न कुछ मुझे प्रेरणा मिलेगी। स्वांत सुखाए की भावना से मैं ये काम करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है मूल्य अर्थात प्राइस, मूल्य की अपेक्षा जीवन मूल्य को महत्व दीजिए। मूल्य की अपेक्षा प्राइस की अपेक्षा किसको महत्व देना है? वैल्यूज़ को। क्योंकि समाज में आज के संदर्भ में देखा जाए तो वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है। हर स्तर पर, हर प्रोफेशन में, कोई भी प्रोफेशन अछूता नहीं है। ए टू जेड हर जगह वैल्यूज़ की कमी होती जा रही है। और जो मूल्यों पर विश्वास रखते हैं जो लोग, वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज्ड अपने आप को फील कर रहे हैं। ये मुझे बिल्कुल ऑनेस्टली मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ और विश्वास भी करने लगा हूँ। हालांकि पिछले कुछ समय से इसमें बदलाव आ रहा है और इन बदलावों की वजह से जो मूल्य रहित जीवन जीने वाले जो इनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, उन पर थोड़ी लगाम की तरह ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। किस हद तक है ये उसका कोई पैरामीटर नहीं है मेरे पास, लेकिन इस बात में दृढ़ता से मैं कह सकता हूँ और आज हम इसी टॉपिक पर बात करते हैं। मूल्य प्राइस की अपेक्षा जीवन मूल्य वैल्यूज़ को महत्व दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति समाज एवं संसार के बारे में अपना विशिष्ट दृष्टिकोण रखता है, जैसा कि मैंने भी बताया। इस दृष्टिकोण का निर्माण उस वातावरण एवं उन विचारधाराओं के अनुसार होता है जिनके मध्य उसका लालन पालन होता है। दुख एवं कष्ट के वातावरण में पलने वाले बालक बड़े होने पर भी दुनिया को उसी दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता उसी की अभ्यस्त हो जाती है। कहावत है, सारी दुनिया व्यक्ति को अपनी जैसे प्रतीत होती है। जिस रंग का चश्मा लगा होता है, व्यक्ति उसी रंग में रंगी हुई दुनिया को देखता है। यही सब तत्व व्यक्ति की मानसिकता और उसके चरित्र का निर्माण करने के हेतु बनते हैं। प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कार्य उस दृष्टि का प्रतिफलन होता है जिससे हम दुनिया को, अन्य व्यक्तियों को देखते हैं, और उसी दृष्टिकोण के आधार पर हम अपने प्रति दुनिया वालों के व्यवहार की आशा करते हैं। समाज के बारे में हम जो कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं, वह प्रायः हमारी मान्यताओं एवं आशाओं से मेल नहीं रखता है। इस प्रकार हमारा जीवन दोहरी मान्यताओं एवं विचारधाराओं के भंवर जाल में फंस जाता है। तब हम इस विषम परिस्थिति से मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, गुरुजनों से निर्देश लेते हैं, मित्रों से परामर्श लेते हैं आदि। प्रतिकूल एवं विषम परिस्थितियों में अधिकांश व्यक्ति परमात्मा भगवान को याद करते हैं, उनसे सहायता की याचना करते हैं, क्योंकि इससे उनके मन को शांति और चैन की अनुभूति होती है। मनुष्यों का एक वर्ग ऐसा भी है जो इस प्रकार का कोई प्रयत्न नहीं करता है। वह अपनी अशांत एवं उपद्रववादी स्थिति में ही सुख, शांति और प्रसन्नता का अनुभव करता है। इस वर्ग के एक व्यक्ति का कथन था, शांति की खोज क्यों की जाए, उसकी क्या आवश्यकता है। हमारी स्वाभाविक मानसिक स्थिति ही सबको हमको सब कुछ दे सकती है, क्योंकि नियति भी वही है। मेरा असंतोष, मेरी अशांति मेरे लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं और मैं अपने जीवन पथ पर अग्रसर बना रहता हूँ। उनका कहना है कि मेरी यह मानसिकता बहुत बड़ी सीमा तक मुझे भय एवं आशंकाओं से मुक्त रखती है। मैं अपने प्रस्तुत जीवन से अभिभूत रहता हूँ और सदैव ऊर्जा युक्त रहता हूँ। इस संदर्भ में वह बेंजामिन डिज़राइली के कथन को उद्धृत करके अपने वैचारिक पक्ष का समर्थन भी करते हैं। वी आर नॉट क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टांसिस बट वी आर क्रिएटर्स ऑफ सर्कमस्टांसिस, अर्थात हम परिस्थितियों के बालक देन नहीं हैं, हम परिस्थितियों की देन नहीं हैं, हम उनके जनक हैं, हम परिस्थितियों की रचना करते हैं। जो भी हो, परंतु विश्व के संदर्भ में यदि हमारा दृष्टिकोण कृपा, प्रचुरता और प्रसन्नता का है, तो अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप हम सर्वत्र इन्हीं का अनुभव करेंगे।
यह संसार हमारे मन अथवा हमारी मानसिकता की सृष्टि है। जो हमारे भीतर है वही हमें बाहर दिखाई देता है। इसमें इस संदर्भ में संस्कृत के बड़े श्लोक हैं जो कि मुझे इसमें याद नहीं आ रहा है, उसी का लगता है ये बिल्कुल रूपांतरण सॉरी प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम अपने दृष्टिकोण में अन्य व्यक्तियों को भागीदार बना सकते हैं। हमारे विचार से यह प्रश्न अनावश्यक है। हम सब अपने दृष्टिकोणों में भागीदारी प्रतिपल करते कराते रहते हैं। हमारा प्रत्येक विचार, शब्द एवं कार्य इस तथ्य को प्रतिफलित करता है कि हम दुनिया या समाज से अपने प्रति किस प्रकार के व्यवहार की आशा करते हैं। अतएव अपने दृष्टिकोण में अनेक अन्य व्यक्तियों की भागीदारी करने न करने का विकल्प कभी उपस्थित ही नहीं होगा। बहुत समय तक अपने विगत अनुभवों का चश्मा लगाते रहते हैं, परंतु अन्य व्यक्तियों के अनुभवों में भागीदारी करने के फलस्वरूप हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है और तदनुसार हम चश्मे को बदलने के लिए व्यस्त हो जाते हैं। हम एक 15 वर्षीय किशोर का उदाहरण लेते हैं। जब वो 8 वर्ष का था तब उसके अग्रज अथवा अवस्था में बड़े लोग उसको अनेक प्रकार से प्रताड़ित करते थे, परंतु वह प्रक्रिया समाप्त हो गई। वह अब अपने को पूर्णतः सुरक्षित अनुभव करता है और उसका जीवन प्रसन्नतामय है। अब वह अपने पुराने अनुभवों को जीवन में नए सिरे से ढालता है, यानी उन अनुभवों को दोबारा जीता है। इसे हम जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण कहेंगे। हम में से अधिकांश व्यक्तियों ने जीवन में कभी न कभी कष्ट एवं निराशा का अनुभव किया है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इन अनुभवों का क्या करते हैं। क्या हम इन अनुभवों को अपने आगामी जीवन की रूपरेखा अथवा उसके एक नक्शे के रूप में प्रयुक्त करते हैं, अथवा नए अनुभवों के आधार पर एक नवीन जीवन पद्धति अपनाने का कार्यक्रम बनाने का प्रयास करते हैं। नए दृष्टिकोण का निर्माण करने का एक उपाय इस प्रकार बताया गया है कि अपने विगत अनुभवों को पूरी ईमानदारी से लिखो और लिखे हुए कागजों को जला दो। तदुपरांत कुछ अन्य लोगों के विगत अनुभवों को लिखो और उनमें भी आग लगा दो, अथवा उन कागजों को पत्थर से बांध कर नदी में बहा दो। इस प्रकार प्राचीन अनुभवों से तुम्हारा दिमाग खाली हो जाएगा। कुछ दिनों बाद पुराने विचारों का त्याग करके विगत अनुभवों पर नए दृष्टिकोण से लिखो। बराबर ध्यान रहे कि तुम इन्हें नई दृष्टि से लिख रहे हो। जल्दी न करें, सब इत्मीनान के साथ नए स्वप्न देखते हुए लिखें। इसी के साथ एक ऐसी नई वस्तु का नाम लिखें जो तुम चाहते हो। तुम देखोगे कि इस सूची का अंत नहीं है, परंतु हमारे जीवन पद्धति में परिवर्तन आने लगा है। असंतुष्ट होने पर सूची को नष्ट कर दो। तदुपरांत अपने तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त विचारों को नए सिरे से लिखो। लिखित कागजों को नष्ट करने तथा उन्हें लिखने की प्रक्रिया को 3-4 बार अपनाओ। तुम देखोगे कि पूर्व विचारों के प्रति तुम्हारे दृष्टिकोण में स्पष्ट परिवर्तन आ गया है और इसी के साथ तुम्हारे जीवन में भी परिवर्तन आ गया है। पहले तुम प्रत्येक वस्तु का महत्व रुपये पैसे में उसके मूल्य प्राइस के संदर्भ में आंकते थे, अब उसका आकलन जीवन मूल्यों वैल्यूज की दृष्टि से, उसकी सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से करने लगे। नट से लिए है कि व्यक्ति के दृष्टिकोण का निर्माण उस वातावरण के अनुसार होता है जिसमें वो बड़ा होता है। उसके जीवन के जो अनुभव हैं उसी के अनुरूप होते हैं। जो प्रचुरता होती है, जो प्रचुरता और सुख समन्वित जो दृष्टि वाले व्यक्ति को समस्त संसार सुखमय एवं संपन्न प्रतीत होता है। और हमारा संसार हमारे मन की सृष्टि है। हम अपने पुराने विचारों को बार बार लिखें, नष्ट करें, हम देखेंगे कि पुराने विचारों को हम नई दृष्टि से लिखने लगे हैं और हम उसी के साथ अपना हमारे जीवन में भी परिवर्तन आने लगा है। पहले हम प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु का आकलन अभी जैसा कि हमने पढ़ा रुपये पैसे प्राइस के रूप में करते थे, और हम उसका धीरे धीरे हमारे जीवन में जो परिवर्तन आया तो उसके परिणाम स्वरूप उसका आकलन हम जीवन मूल्यों के रूप में हम करने लगेंगे और हमारी जो सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से हम करने लगेंगे, तो ये हमारा बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। तो वास्तव में ये सही कहा गया है, मूल्य अर्थात प्राइस की अपेक्षा जीवन मूल्य को महत्व हमको देना चाहिए। धन्यवाद।